जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी। इसमें बड़ी खबर ये मिल रही है कि गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है, जबकि बाकी दो लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। उनका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। आपको बता दें कि भू माफिया ने गुरुवार को एक घर में आग लगा दी थी, जिसमें तीन लोग झुलस गए थे। इस घटना के बाद दरभंगा पुलिस पर अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि करीब 36 से 37 घंटे बीतने के बाद भी मुख्य आरोपी शिवशंकर झा और 40 अज्ञात लोगों में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित परिवार पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार की देर रात करीब 25 से 30 की तादाद में भू माफियाओं ने जीएम रोड में श्रीनाथ झा के घर पर जेसीबी के माध्यम से घर तोड़ने के लिए पहुंचे। इस बीच उस घर में रह रहे परिवार के लोगों ने इनका विरोध किया। इसके बाद भू माफियाओं ने उन सभी के साथ मारपीट की और जिंदा जलाने की कोशिश की। उस घटनास्थल पर जहां पर से लगभग अभी से 36 से 37 घंटे पहले एक भू माफियाओं ने रात की 8 बजे जेसीबी के माध्यम से इस घर को तोड़ने का प्रयास किया था और साथ ही साथ तीन लोगों को जिंदा जलाने का भी प्रयास किया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वह घटनास्थल है। इस घटनास्थल पर भू माफियाओं ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। आप देखते किस तरह से यहाँ पर ईंट पत्थर बिखरे हुए हैं जो तोड़ा गया है, साथ ही साथ यहाँ पर गेट जो आप देख सकते हैं, गेट किस तरह लोहे का जो गेट है वो भी टूट कर यहाँ पर गिरा हुआ है। ऐसी स्थिति आप बताना चाहेंगे कि इतनी हिम्मत निश्चित रूप से, जबकि बगल में ही यहाँ से करीब 200 मीटर पे से 300 मीटर पे यूनिवर्सिटी थाना है, साथ ही बगल में इनकम टैक्स चौराहा है, ये मुख्य सड़क स्टेशन जाने के लिए मुख्य सड़क है, बगल में मैंने यूँ कहा कि पॉश एरिया है और वीआईपी एरिया में इस तरह की घटना को अंजाम देना। और उसके बाद जैसा यहाँ के जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि लगातार पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुँची, 20 मिनट लेट पहुंची। साथ ही साथ परिजनों का जो आरोप है कि जिस समय ये घटना हो रही थी पुलिस सामने खड़ी थी, अगर इस तरह की बात सामने है तो निश्चित रूप से दरभंगा पुलिस पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या दरभंगा पुलिस की मिलीभगत थी। वही परिजन ने सीधे तौर से दरभंगा के जो नगर थाना प्रभारी है उन पर भी आरोप लगाया है कि उनकी मिलीभगत की बात कही है। अब इन सबके बीच देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इनको गिरफ्तार करती है। लेकिन तक जो सूचना मिली है, जो निक्की उनकी छोटी बहन बता रही है जो कि, और पूजा झा जो पटना से मिल कर आई हैं अभी, उन्होंने बताया है कि जो पिंकी गर्भवती थी उनके पेट में जो पलना शिशु था उनकी मौत हो चुकी है। चूँकि जब जिस समय घटना घटी थी तो उस समय पिंकी को उन जो लोग थे जो भू माफिया थे उनके द्वारा जलाने के साथ साथ उनको धक्का दिया गया था, ऐसी स्थिति में उनके पेट में जो पल रहा शिशु था उसकी मौत हो चुकी है। साथ ही साथ अभी तक बच्चे का को बच्चा बाहर नहीं आया है। ऐसी स्थिति में दोनों भाई बहन संजय और पिंकी मौत और ज़िंदगी से पटना पीएमसीएच में जूझ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि दरभंगा पुलिस कब तक शिव कुमार झा को गिरफ्तार करती है। देश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। भू माफियाओं ने घर पे कब्जे को लेकर के जेसीबी से आकर के मकान तोड़ने का प्रयास किया था, साथ ही साथ यहाँ पर तीन लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया था, जिसमें से दो लोग अभी पीएमसीएच में भर्ती है और एक यहाँ पर निक्की है जो यहाँ पर उनकी भी का भी पूरा पैर जला हुआ, साथ ही साथ तो उनकी एक बड़ी बहन है जो बचानी आई थी वो चौथी महिला है जिनका भी पैर यहाँ पर जला हुआ नज़र आ रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये मेरे परिवार है, यही वह परिवार है जो यहाँ पर अभी मौजूद है, क्योंकि इनकी जो बड़ी बहन है गर्भवती बहन थी पिंकी, वो उनका उनके बच्चे का जो सो पेट में ही दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो चुका है। साथ ही साथ जो संजय भाई हैं वो भी गंभीर स्थिति में हैं। यूँ कहें कि दो लोग मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे और ये परिवार के लोग यहाँ पर हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह निक्की और इनकी जो पैर है वो भी किस तरह से जले हुए हैं और ये लोग इस जो दर्द से कड़ा रहे हैं। हमारे साथ बात करें निक्की, हम इनसे बात करते हैं। निक्की, क्या है पूरा, क्या हुआ बहन के बुआ के साथ, क्या हुआ है? बहन के बुआ के साथ तो वो जब ढकला आग लगाया उसके वजह से मेरी बहन के बुआ को मर गया पेठी में वो, और वो बाहर भी नहीं आ सका। हम लोग इतने खुश थे कि होने वाला है बट वो नहीं बच सका। और बहन भी बहुत गंभीर है और भैया भी बहुत गंभीर है, भैया को भी पूरा झुलसा दिया उस लोग ने। न्याय चाहते हैं क्योंकि 20 मिनट पहले प्रशासन को फ़ोन किया गया, ठीक है, प्रशासन नहीं आया उस दिन। प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी थी, ठीक है, प्रशासन भी मिली हुई थी। अगर प्रशासन, हम लोग यहाँ पे परिवार जल रहा था, हम लोग बचाने के लिए दौड़े, ठीक है, और प्रशासन वहाँ पे तमाशा देख रहा था, तो सबसे पहले तो टाउन थाना का जो
दरोगा है उनको सस्पेंड किया जाए, राकेश कुमार सिंह को, क्योंकि मेरा अगर वो जिस दिन सब फर्स्ट टाइम आया था हम लोग ने एप्लीकेशन दिया उनको, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज़ को, हम लोग को कमिश्नर साहब एसपी साहब के यहाँ जाना पड़ा था, एसपी साहब जब बात किया तब 6 बजे शाम में हम उसको आए थे दरखास्त देके, जो सर ऐसे ऐसे मोहल्ला में की बात है, ऐसे ऐसी हो रही है, परिवार की बात है, तो बोला क्या करूँ मैं, तुम जमीन का पेपर दो। भाई जमीन का मालिक तुम हो क्या? हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं होता है सर। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। तो जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, पुलिस के हाथ अभी तक इस पूरे मामले में खाली है। जी मीडिया संवाददाता मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, किसी भी जिले में इससे बड़ी घटना हो सकती है क्या? पुलिस क्या कर रही है? क्या ये कह दिया जाए कि दरभंगा में ना तो कानून नाम की कोई चीज है, ना पुलिस नाम की कोई चीज है? आपको बता दूं, एक सत्य बात आपको बताना चाहूंगा कि जब से एसएसपी बाबूराम का यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद जो एसएसपी वहाँ ज्वाइन किया और उनका उनके कोरोना होने के बाद वो यहाँ से छुट्टी पर चल गए और प्रभारी एसएसपी के रूप में यहाँ पर अशोक कुमार की नियुक्ति हुई है, और उसके बाद ये इस तरह की घटना, क्योंकि प्रभारी एसएसपी जो अभी यहाँ हैं अशोक कुमार, वो यहाँ सिटी एसपी भी रह चुके हैं, ऐसी स्थिति में इस तरह की घटना होना और उसके बाद किसी की नहीं गिरफ्तारी होना, निश्चित रूप से दरभंगा पुलिस पर एक बड़ा सवाल उत्पन्न करता है, क्योंकि जो शिव कुमार झा हैं उनका जो निवास स्थान है महत उस घटना स्थल से 300 से 400 मीटर पर है, वो किराए के मकान में है जिसमें आज के दिन में ताला झुल रहा है और पुलिस उस जगह पर जाके छापेमारी भी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो है कहाँ, एक बड़ा सवाल। दूसरी तरफ मैं आपको एक बात और जानकारी दे दूं कि लदनिया मधुबनी में एक लदनिया जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं और वहीं पर वहाँ पर भी पुलिस छापेमारी की है, जो यहाँ के सदर DSP अनोज कुमार बता रहे हैं कि वहाँ मधुबनी में उनके घर पर भी छापेमारी की गई है, उनके दरभंगा अवस्थित निवास स्थान पर भी छापेमारी की है, लेकिन इस सब के बीच अभी तक 40 अज्ञात और एक नामजद जो शिव कुमार झा है उनमें से एक की भी गिरफ्तारी नहीं होना, एक को भी पुलिस अपने पास लेकर नहीं आई पूछताछ के लिए घटना की जानकारी हेतु, ये निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। आपको मैं बता दूं, अभी हम नगर थाना पे हैं, जहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, यही वो नगर थाना है, इसी नगर थाना में 40 लोगों पे अज्ञात और एक नामजद FIR दर्ज हुआ है। वहीं मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि देखिए, यही वह JCB, इस JCB को देख सकते हैं, यही वह JCB है जिसको लेकर के ये भू माफिया लोग वहाँ पहुँचे थे, और निश्चित रूप से हिम्मत की बात देनी होगी, रात के 8 बजे 40 की संख्या में एक फौज एरिया में छाक करके उस मकान का तोड़ने का प्रयास, साथ ही साथ पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने का प्रयास, और ये निश्चित ये दर्शाता है कि ये जो भू माफिया है तो कितना निफिक्र है, उनके पास कोई भी डर और भाई यू कहे कि कानून का जो राज है वो कानून के राज। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कानून का राज दरभंगा में है या नहीं, और सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि दरभंगा की पुलिस किस आधार पर ये कहेगी दरभंगा में रहने वाले लोगों को कि आप सुरक्षित हैं। मुकेश, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दूसरी खबर की। तो खबर बिहार के सियासी गलियारों से है। आपको बता दें कि बिहार में RCP सिंह वर्सेस ललन सिंह रिटर्न हो गया है। जी हाँ, सियासी गलियारों में